अज खरड़ दे गुरद्वारा श्री गुरु हर राय साहब विच अपोलो क्लीनिक दे प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल फ्री मेडिकल चैकअप कैंप लगाया गया, जिस विच डॉक्टर मनीष छाबड़ा ते डॉक्टर अर्पित ने चैकअप किए। इस कैंप विच अखां दीआं बीमारियां ते जनरल बीमारियां दे चैकअप किए गए। इस कैंप विच सहयोग लई डॉक्टरां दी टीम तो इलावा हरनेक सिंह, ज्योति लांबा, नर्सिंग स्टाफ, प्रवीण कौर एम टी ते राजेश कुमार भी हाजिर सन। गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चो सरदार तलोचन सिंह, मास्टर जसमेर सिंह, करनैल सिंह, बलविंदर सिंह, अवतार सिंह हाजीपुर, शिवदीप सूद, अमरजीत सिंह चड्डा, गुरमुख सिंह ते सुखदेव सिंह हाजिर सन। जी सत श्री अकाल जी, मैं कुलवंत सिंह गिल। जिस तरह तुम जानते हो कि मैडिकल कैंप, चाहे वह खूनदान कैंप हो, चाहे वह चैकअप कैंप हो, सोसायटियां गुरु घर दी सोसायटियां हो जां साडियां आम सोसायटियां हो, वह करदियां रहिंदियां, कैंप लाउंदियां रहिंदियां, क्योंकि इस तरह के कैंप लगने बहुत जरूरी है। अज की महंगाई के दौर के अज अपोलो होस्पिटल, अपोलो क्लीनिक ने एक बहुत विशाल कैंप लाया हुआ, जिसे मैडिसन के डॉक्टर ने, अखां के डॉक्टर ने। तुहानू पता है कि जे आपां मैडिसन जां अखां दिखाउण जाइए तो 500-700 रुपये सभाए के फीस लगती, पर इत्थे कोई फीस नहीं, क्योंकि गुरुद्वारा श्री हर राय साहब पातशाही सतवीं वालों इन्हां दी प्रबंधक कमेटी वालों कैंप लाया गया। सत श्री अकाल जी, की हाल है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। तुसीं नाल आ जाओ, इधर आ जाओ, नाल सारे नाल आ। अज दे कैंप बारे सानूं दस्सो। अज दा कैंप गुरु साहब दे समय तों परंपरा चलदी आ रही है कि संगत नूं दुआ ते दवा दोवें देणियां। सो संगत दी सेहत नूं मुख रखदे होए अज अपोलो क्लीनिक वालों इत्थे कैंप लाया गया। तो तुहाडे चैनल दा इत्थे पहुंचण दा असीं बहुत बहुत स्वागत करदे हां जी। साडी मंशा है कि साडे जिहड़े एरिए दे लोक है उहनां नूं जिथे असीं धार्मिक तौर पर माइंटरी साउंड करदे हां उहदे नाल सिहतक तौर पर भी साउंड होने चाहिए। इहनूं मुख रखदे होए अज मैडिकल कैंप लाया गया। इह तों पहलां भी समें समें ते इत्थे कैंप लगदे रहिंदे आ। नाल साडे कोल आ जो है एक्यूप्रैशर का कैंप है, वह भी चलता एक महीने तो चल रहा। तो इस तरह जिम्मे आ कैंप अच्छ लगे, ये तो पहला भी कैंप लगते रहे, अखा के दंदा के हड्डिया के चैकअप के कैंप लगते हैं, तो खूनदान कैंप भी पिछले ला के हटे हैं। सो साड़ी यही मंशा है कि असी संगत की वो तो वह सेवा कर सकी, कि साड़ी जी संगत है और आने वाली जो जनरेशन है वो मैंटली तो फिजिकली साउंड हो। बिल्कुल, जे मैंटली तो फिजिकली साउंड हो गए तो ही वो देश की सेवा, कौम की सेवा कर सकते हैं, ये साडा टीचर जी। बिल्कुल जी। सो दोस्तों, बिल्कुल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबरान खड़े ने और समय समय से यह कैंप जिहड़े ने लाउंदे रहिंदे ने, चाहे खूनदान कैंप होवे, चाहे वह एक्यूप्रैशर का कैंप होवे, चाहे मैडिकल कैंप होवे, हर तरह के जिन्हों कह सकते हैं हैल्प ये लंगर के रूप के जिहड़े दीन दुखी ने उन्होंने रूप के उन्होंने हैल्प करते रहते। तुसीं की कहना चाहो? साडा गुरुद्वारा गुरुसाहिब साहिब मुंडी खेड़ दे, असीं कमेटी, साडी कमेटी पहलां भी अगे इदां दीआं संस्थां दे काम करदी रहिंदी है जी, कैंप लाउंदे रहिंदे हैं। पहलां असीं कैंप, पहलां ही तुहानूं पता खूनदान कैंप लगाया, एक्सप्रैस दा कैंप भी असीं लाए जी, अज हुण मैडिकल कैंप, पहले ही मैडिकल कैंप असीं काफ़ी लगाए जी उरे गुरद्वारा साहिब। साडी कमेटी जो मिल के सारी ये संस्था की जिनी भी होंगी असं हैल्प करते हैं जी, तो सानू लोड़ है जी सारे गुरुद्वारा कमेटियां, मैं यही मंग करदा जी कि सारी कमेटियां इदा के कैंप लाउण, कैंप मिलकर कैंप लाउण जी। प्रधान साहब तुसीं की कहना चाहोगे? मैं ये कह रहा जी, साडी तालमेल कमेटी बनी है गुरुद्वारे की, उन्होंने उन्होंने भी सानू ये हदायत की भी असं इस तरह के कैंप, बच्चों के कैंप, तो जिमें हूँ मैडिकल कैंप लग्या, असी डिस्पेंसरी भी इतने बनाई हुई है, इस करके भी मैडिकल आधार पर रखे, भी इन्हों भी संगत को हर तरह की फैसिलिटी असी देिए। इन कैंपा प्रधान साहब संगत भी सहयोग करती है? संगत के सहयोग न ही सारा कुछ चल रहा जी। अच्छा, अपना साडा वैसे योगदान घट है, संगत ही सत इदा की संगत भी होनी जी, कहें भी कैंप का खर्चा सारा मैं चकूंगी, तुम मेरे वालों सेवा ले, यही जी भी हैगी भी होंगे हैगी भी संगत है जी, कहने भी कोई असं खर्चा आप दे देंगे जी। दोस्तों, कोई भी सोसायटी है चाहे वह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने, वो बिना लोगों की हैल्प तो बगैर नहीं चल रही। सो इस करके मैं ये गल कहना हूं भी जिंदगी दे विच हमेशा तुसी हैल्प जिहड़ा है वो करिया करो, और हैल्प करन दे नाल जिहड़ा हैगा हमेशा लोगों के हार है। की कहना चाहूंगा? सर इदा है कि जिहड़ी श्री हर राय साहब दी प्रबंधक कमेटी है वो अपने लोगों नू हैल्थ दे प्रति अवेयरनैस कराने वास्ते इदा तरह के कैंप लगाती रहती है, जिहदे विच के खूनदान कैंप, हड्डियों का कैंप, और जनरल मेडिसन, अखा और गायनीस, तो इदा के कैंप लाने चाहिए ने, क्योंकि अजक लोगों इन्नी अवेयरनैस आ चुकी है कि वो अपने हैल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं।
कि सानू जिहड़ा कि बी पी और शुगर एक इदां दी बीमारी है जिहड़ी कि आम पता नहीं लगती पब्लिक नू पता नहीं लगती जदों कि वह पूरा अपना इफेक्ट दिखा दिंदी है उस तो बाद जाके पता लगता कि काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा हो गई। इसलिए ये कैंपां की जरूरत इसलिए है कि लोगों को पता लग सके कि उन्होंने बॉडी के कुछ चल रहा है, इसलिए बहुत जरूरी। सब तो पहले तो प्राइम चैनल इतने कैंप में पहुँचते गुरु हरिहर की कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। और असी इस तरह पहले भी कैंप लगाए जाते हैं और अज भी फिर अपोलो क्लीनिक वालों जो कैंप लगाया जा रहा है ये मेडिसिन वाले डॉक्टर और अखा वाले डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके चैकअप करा रहे हैं। और सारे यही कहने कि सारे मिल के अपने गुरुद्वारा साहब में सहयोग करो और मतलब यह जे कैंप लगते रहन और पब्लिक की सेवा होती रहे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतिह। और बहुत सोहना लगे साड़ी कमेटी का प्रबंध किया टेस्ट फ्री हो रहे साढ़े अंदर फ्री इलाज चल रहा डॉक्टर बैठे दवाई फ्री मिल रही कमेटी ठीक है सर की कहना चाहते वाहेगुरु खालसा वाहेगुरू फतेह जी। एक उपराले कमेटी समय समय से जो पहला दसाया सारे दसाया कि पहले समय समय से जोड़े कैंप इदा के लगते रहेंगे ये खूनदान कैंप एक्यूप्रेशन का रगला चल रहा कैंप डिस्पेंसरी बनी हुई इतने लैब भी इतने है जोड़े कि कॉन्शेंशियल रेट उत्ते टैसट होंगे इतने जी परंपरा जी गुरु साहब की जी है शुरू तो चलती आ रही है गुरु हर साहब तो फ्री दवाइया का जो असी कंसैप्ट जो शुरू तो लिया ये परंपरा उ अगे अं तोड़ रहे हैं उही असी कर रहे हैं। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। असी सारे अपोलो क्लीनिक की टीम है जी। असी महीने च एक दो तीन कैंप लगाते ही रहते हैं जी तो सारा फ्री मेडिकल हेल्थ चैकअप है जी। बीपी शुगर साडा सारा कुछ फ्री होंदा है। ऑल ओवर चंडीगढ़ मोहाली खरड़ पंचकूला ट्राई सिटी सारा